अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र से, जहां सेमरिया एसडीएम और नायब तहसीलदार को हटाने की मांग पर जारी क्रमिक अनशन का समर्थन करने भारी संख्या में किसान नेता पहुंचे। तहसील प्रांगण में चल रहे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन में किसानों ने हुंकार भरी और कहा कि रावण पर विजय पाने के लिए राम को भी संगठन बनाना पड़ा था। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं, इनको उखाड़कर फेंकने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा। आपको बता दें कि विगत दिनों आज के कार्यक्रम की जानकारी देने पहुंचे किसानों के साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा अभद्रता की गई थी, जिसके बाद किसान और दोनों अधिकारियों के बीच तू मैं के साथ हाथापाई भी होने की जानकारी मिली थी। अधिकारियों की शिकायत पर सेमरिया पुलिस ने 3 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं विगत 10 दिनों से एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को हटाने के लिए क्रमिक अनशन किया जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं धरना स्थल और सुनाते हैं किसान नेताओं ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। तकलीफ है, आप एक बार मेडिकल करने से पहले, मेडिकल रिपोर्ट देखने से पहले सोच लीजिएगा। यदि अनुपम पांडे को बिना मारे तकलीफ हुई है, उनके ऊपर धाराएं लगाने का मेडिकल बना है, तो आप रोज तैयार रहिएगा। 10 मेडिकल आपको फांसी रोज को लाना पड़ेगा। ऐसा करने वाला नहीं है। राजनीति की तरह करिए। इस क्षेत्र के नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूँ, आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चोर चौधरा नाचे सार को फांसी हो। किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित नेताओं की ओर आस लगा के, चकचकी लगा के देखता है कि मैंने इस क्षेत्र को वोट दिया है, अपनी समस्या को लेकर इसके दरवाजे जाएंगे तो ये गरीब जनता के साथ, मजलूम के साथ खड़ा होगा। लेकिन हमारे क्षेत्र के नेता इन लुटेरे भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। जनता दंगल भटक रही है, जनता को आंदोलन करने के लिए नौबत आ गई। साल भर का त्योहार है, दिवाली के दिन हम लोग यहाँ पे पंडाल लगा के बैठे थे। जगदीश सिंह, हम लोगों ने अपने घर का दिया नहीं जलाया, बच्चों के साथ पटाखे नहीं फोड़े। इसी तहसील के दरवाजे में हमने लिखा कि समझियों को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए एक दिया जलाया और हम लोगों ने रात को यहाँ पर निकल किया। इतना ज्यादा संवेदनशील सरकार, इतने संवेदनशील नेता और इतने संवेदनशील प्रशासन मैंने आपकी जिंदगी में आज तक देखा नहीं। आप अपने बच्चों के साथ दिया जला रहे हो, लोग ठंडी में यहाँ छिड़क रहे हैं। सिर्फ एक ही मांग तो है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटा के कहीं और ले जाओ। आप उसने भेजो, शिवराज सिंह जी के यहाँ भेज दो। इतने ईमानदार लोग हैं तो मोदी जी के साथ इनको ओएसडी बना दो, उनके पीएमओ में भेज दो। भाई, सेमरिया के लोगों की जान तो छोड़ दो, क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा भैया? और कोई आदमी आवाज उठाए, उसका गला दबाने का काम करते हो, गिरेबान में हाथ डालते हो। अनुपम पांडे, आज फिर से इस मंच के माध्यम से तुमको मैं कह रहा हूँ कि बात 2023 तक की है। 9 महीने के लिए तुम चले जाओ। मध्य प्रदेश की धरती में जहाँ भी तहसीलदार रहोगे, सरकार बनने के बाद तुम्हें सेमरिया लाऊंगा मैं। और इसी प्रांगण में जिनके गिरेबान में तुमने हाथ डाला है, उनसे माफी मंगवाऊंगा। और जिनके जेल में तुमने हाथ डाला है, ब्याज के साथ उनका पैसा वापस कराऊंगा। इसके बाद मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा। ऐसे छोड़ने वाला ये अच्छा किसान संगठन बनाना है, या किसानों का संगठन बढ़ाना है। साथियों, अब इससे बड़ी उम्मीद आप बदतमीजी की क्या कर सकते हैं कि कोई ज्ञापन देने जाए? ऐसा कभी सुना है आपने? आपने अमरपाटन का बताया, बैसुनपुर का बताया। मैं हिंदुस्तान की धरती में ये नहीं समझता कि कोई सूचना लेके किसी अधिकारी के पास जाए और उसकी छाती फट जाए सूचना लेने में। ये केवल गुंडागर्दी है और ये विधायक के सह पर हो रही है। इसको हम लोग ठीक करके ही यहाँ से उठेंगे। बस किसानों से आग्रह करते हैं, क्या हमारे मंच को समर्थन देने सभी राजनीतिक दल के लोग आए। हम लोग दल में होते हुए भी इसे दल का नाम नहीं, जन आंदोलन का नाम दिया, ताकि सब आम जनता शामिल हो सके। सभी दल के लोग आए और बहुत बहुत स्वागत है कि आज किसान लोग आए। और आप आए हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि हमारी मांग में पहले से जो नहीं जुड़ा है वो आज हम जोड़ते हैं कि जब तक ईश्वर दीन सिंह जी और भागवत तिवारी, अशोक कुशवाहा के ऊपर से मुकदमा नहीं हटता, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे प्रतिनिधि आए जो मूलतः अपराधी प्रवृत्ति के थे, पूंजीपति थे, पहले वाला भी, अभी जो है उसकी घटनाएं तो आप लोग पढ़े हैं। जब एक सतना के ही एक सीईओ को सड़क में लिटा के 20 लोगों ने मारा और जिनका नाम जद है, यह भाई यार वो अभी यहाँ से निकले हैं और थाने में बैठ के पैरवी करते रहते हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं है। कि चोर तो हैं एसडीएम तहसीलदार, लेकिन इतने बदतमीज होंगे मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जैसे सेमरिया में ये सब विधायक की लीज में है कि चाप लो, खा लो सेमरिया के लोगों को, लेकिन इतना पैसा लाके हमारे जेब में डालो। इसलिए ये इनकी बदतमीजी की सीमा इस हद तक बढ़ी है, चाहे वकील हो चाहे पक्षकार हो, चोरी तो करते हैं, काटने दौड़ते अलग से। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक ये जाते नहीं, जब तक किसानों की समस्या का निराकरण होता नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है, कौन बनाता है देश महान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है देश महान? कौन बनाता है देश महान? अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मांगे पूरी नहीं हुई तो खून बहेगा सड़कों पर, मांगे पूरी नहीं हुई तो। ये हमारा शुरुआती आंदोलन है। अगर आप लोग इतने में अपने आदतों में सुधार नहीं करते तो आने वाले समय में आप लोगों को ये तहसील परिसर छोड़ के जाना पड़ेगा। सिर्फ आप हमारे किसानों के काम के लिए यहाँ पदस्थ है, ना कि हमारे किसानों को प्रताड़ित करने के लिए। जो अभी हमारे किसान साथी, 3 साथी जो गए थे ज्ञापन सूचना देने, उनको अपमानित किया गया है, उसका भी अपमान का भी हम लोग बदला लेंगे। वो नियत तारीख और दिनांक हम लोग संगठन के माध्यम से तय करेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। अगर यहाँ का सक्षम अधिकारी इस मामले में माफी नहीं मांगता तो निश्चित रूप से यहाँ रण होगा। रण की डेट आप लोगों को बता दी जाएगी। आप लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करके जो भी हमारी डेट होगी उस डेट में आने का काम करेंगे। हमारे शास्त्री जी जैसे महापुरुष सम्माननीय श्रीनिवास तिवारी जैसे महान योद्धा, और शायद उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने वाले इस सेमरिया क्षेत्र की जनता, किसान भाइयों, साथियों, बड़े दुख की बात है कि आज खेत खलिहान में किसान के रहने का समय है, आंदोलन का समय नहीं है, पर वो पीड़ा लेके आज सेमरिया तहसील में उपस्थित है। साथियों, हमारे की एक वीडियो मैंने देखा था, कहीं शराब वराब का मामला था, उसमें तोड़ फोड़ करने का काम यहाँ के सम्मानित विधायक ने किया। फिर सीओ के मारपीट का मामला आया, उसमें सम्मानित विधायक जी का हाथ रहा। तीसरी ये घटना हुई जो तहसीलदार के द्वारा हुई। मुझे लगा कि ये सारा का कुनबा ही एक जैसा, और ये यहाँ के विधायक और उसी के अंदाज में यहाँ का तहसीलदार और यहाँ के एसडीएम शायद एक टीम ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। जबकि ये सेमरिया का क्षेत्र ये ऐसे त्यागी नेताओं का क्षेत्र रहा है, ये गुंडों का क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ गुंडे स्तर के नेताओं को यहाँ के लोगों ने तवज्जो कभी नहीं दी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आप लोग नहीं देंगे। साथियों, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी पिछले बार जब सरकार आई, आप लोगों ने तो जो वर्तमान में सरकार है इसके विरोध में आप लोगों ने वोट किया। अगर उनकी जांच की जाए तो एक सबसे बड़ा घोटाला गौशालाओं का आ जाएगा। हमने कहा खास गौशालाओं को छोड़िए, 2-3 महीने की अगर तत्कालिक व्यवस्था आप पंचायत स्तर से, नगर पंचायत स्तर से, रोजगार गारंटी है, जो भी आपके पास मद हो उनको पंचायत में देके 2-3 महीने की अगर तत्कालिक व्यवस्था ऐसी कुछ हो जाए कि जानवर भी बचा रहे और किसान की फसल भी साथियों बची रहे। हमने चेतावनी भी दी थी कि अगर इसमें नहीं होगा, और इस मंच के माध्यम से मैं आज कह रहा हूं कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हम कह रहे हैं कि अगर इस पर शासन प्रशासन अपनी नजर नहीं रखता, इस पर अगर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करता, तो हम उन जानवरों को जिला मुख्यालय में घुसेड़ने का काम साथियों करेंगे। ये अभी चर्चा हुई यहाँ के प्रशासनिक खंडों के विषय में। मैं इस मंच के माध्यम से साथियों बता देना चाहता हूं, ये भारतीय किसान यूनियन के साथी हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के सिपाही है, चौधरी महेंद्र सिंडिकेट के अनुयायी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश का किसान इस सेमरिया की धरती पर उपस्थित होगा साथियों। एक टाइम यहाँ तो एक टाइम वहाँ, और नायब तहसीलदार भी यहाँ न जाने कितने आए, वो आपके सतना मैहर और फिर कहीं कहीं तहसीलदार बनके एसडीएम बनकर के बैठे हैं, लेकिन गुंडा मुवाली आज तक नहीं आए। और अगर कोई गुंडा मुवाली कहलवाना चाहता है तो फिर तहसीलदार कहलवाने का 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने का सरकार का क्या हक है उसे? वो आकर के रोड में गुंडागर्दी करे, और गुंडागर्दी करेगा तो ये पता नहीं कितने कितने गुंडे आए और चले गए। किसानों के साथ अगर अन्याय हो तो अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी चिंगारी सेमरिया से लेकर इन सबको तो में लंबा चौड़ा भाषण देने की फिराक में नहीं रहता है। साथियों, एक नारा लगाइए, अब मजा नहीं आ रही, थोड़ी गुंडा करना भेज देंगे, देखिए तक गुंडा किसानों को जनता थी, बाहर जनता, यह जनता इनका दिखाई समय का इंतजार करी। 1.5 साल बाद आ रहा है द्वारे का अपना पंचे धैर्य रखी। ये जो गुंडा ही अपना के साथ कर रहे थे, 4-1.5 साल बाद समय आ रहा। मैं लंबा जो चूंकि बोलने की हम लोगों ने किसान प्रतिनिधियों की बैठक ली और यह तय हुआ कि किसानों की जो विभिन्न ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण कराने के लिए शासन प्रशासन का ध्यान किसान समस्याओं के प्रति आकृष्ट कराने के लिए उनका समय में निराकरण हो, इसके लिए 26 तारीख का दिन नियत किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि यहाँ के हमारे किसान प्रतिनिधियों ने जब यहाँ के तहसीलदार को कार्यक्रम की सूचना देने के लिए सूचना पत्र देने गए, यहाँ के तहसीलदार ने किसानों के साथ अभद्रता की, उनका अपमान किया, किसानों के गिरेबान पर हाथ डालने का प्रयास किया। साथियों, मैं प्रशासन को इस मंच के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन किसानों के अन्याय अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। प्रशासन काम करेगी। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आखिरकार इस धरने की नौबत क्यों आई? मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे रीवा जिले में रीवा जिले में पहली तहसील ऐसी है जहां पे भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसीलदार और एसडीएम के यहां पर धरना हो रहा है, और यहां पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके एक भी पदाधिकारी, उसके एक भी विधायक और सांसद ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ पर लूट हो रही है। तहसीलदार अनुपम पांडे के द्वारा गरीबों के जेबों में डाका डाला जाता है और मना करने दे कि पांडे जी गन्ना जड़ से मत खाओ, तुम्हारे मुंह में मिट्टी के साथ घुस जाएगी, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, तो मुकदमे लगा दिए जाते हैं। ईश्वर दीन सिंह का वजन 40 किलो है, 7 साल का व्यक्ति है। भागवत तिवारी जी 65 साल के हैं। अशोक कुशवाहा गरीब व्यक्ति है, कम से कम शर्म करो। अनुपम पांडे तुम्हारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सुनाई दे रहा हो, पुलिस के साय में कितने दिन तक तुम मुकदमे लग पाओगे? ईश्वर को डरो, आपकी आवाज भगवान सुन रहा होगा जिसने पैदा किया है। तुम ईमानदारी के साथ ये कहते कि ये लोगों ने मारपीट आपके साथ किया है तो हम लोग धरना भी खत्म कर देंगे, कोई मार भी वो करेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपके पिता ने आपको पढ़ाया होगा, लोगों की सेवा के लिए आपने प्रण लिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ पर उल्टा सीधी बात कर रहे हैं। कोई ज्ञापन देना चाहे, आपको लेना है लो, ना लेना हो ना लो, लेकिन किसी के गिरेबान में हाथ डालने का अधिकार आपको आईपीसी में भी नहीं मिला है। यहाँ के टीआई साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग दर दर अपनी दरखास्त लेके घूमते रहते हैं, आप बिना मेडिकल के, बिना गवाह के, बिना जांच के आप FIR गरीब की नहीं करते। अनुपम पांडे ने कह दिया कि मेरे लीवर में दर्द है, ईश्वर दीन सिंह ने मेरा फेंक में मार दिया, आपको 15 मिनट नहीं लगा FIR करने में। ये कौन सी ईमानदारी है? गरीब दर भटक रहा है और चोर जो गरीबों के जेब में डाका डाल रहा है, निरंतर उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहा है और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है। 1 नहीं 10 शिकायतें हैं। टीआई साहब 15 मिनट में आपने मुकदमा दायर कर दिया। सिविल अस्पताल के मैं डॉक्टरों को कहना चाहता हूँ कि आपको उन्होंने बताया है तुम्हारी है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उतनी इज्जत ईश्वर दीन सिंह पटेल की भी है। ईश्वर दीन सिंह की काला पकड़ने का तुम्हें अधिकार नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया है तो उसका तुम्हें फोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस अदालत से न्याय नहीं मिलेगा, ईश्वर की अदालत से जरूर मिलेगा। कल अशोक कुशवाहा बोल रहा था कि यदि मैंने गलत किया है तो मेरे साथ ईश्वर में यही पे सजा दे रहे, 6 महीने के अंदर मैं नष्ट हो जाऊँ। यदि मैंने गलत नहीं किया है तो आपको ही सजा मिलनी चाहिए। जो नायब तहसीलदार अनुपम पांडे हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगवाए हैं, भागवत प्रसाद तिवारी और ईश्वर दीन सिंह और अशोक कुशवाहा के ऊपर, वो सौगंध खा करके इस गीता का शपथ करके और कह दें कि नहीं ये हमारे ऊपर वारदात किए हैं भागवत प्रसाद तिवारी, तो हम कहीं भी मुकदमा को वापस नहीं लेंगे, जेल में जाने को तैयार है। अगर वो गीता का संबंध नहीं खाते हैं तो उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारा कथन है।